पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में भाजपा 2017 के आंकड़े से पिछड़कर 2022 में भले ही सरकार बना गई हो, लेकिन सीटों में आई कमी पर मंथन भाजपा को जरूरी करना है। मुरादाबाद में तो इसका मंथन कुछ अलग ही अंदाज में होता हुआ नजर आ रहा है। मुरादाबाद का भाजपा कार्यालय उस वक्त आज जंग का अखाड़ा बन गया जब भाजपा के दो पदाधिकारी आपस में भिड़ गए। किसी तरह से कार्यालय में खड़े भाजपाइयों ने बीच बचाव कराया और दोनों ही नेताओं को अलग अलग किया। आलम यह रहा कि भाजपाइयों ने एक दूसरे को पीटने के लिए जूता तक उठा लिया, लेकिन गनीमत रही कि अन्य लोगों ने बीच बचाव करा दिया। दरअसल भाजपा कार्यालय पर MLC चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा था। MLC चुनाव की जीत के लिए ही पार्टी के निर्देशानुसार जिला पंचायत सदस्य और पूर्व सदस्यों को मीटिंग के लिए बुलाया गया था। मीटिंग में पूर्व जिला पंचायत सदस्य शरद चौहान को भी बुलाया गया, तो वही मीटिंग में भाजपा के जिला महामंत्री और कुनरकी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे कमल प्रजापति भी मौजूद रहे। दोनों के बीच चुनाव के दौरान हुए मतभेद को लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई। बस फिर क्या था, बात गालियों तक पहुंच गई और फिर हाथों में पैरों के जूते आ गए, जिसके बाद एक दूसरे पर आक्रामक हो गए। गनीमत रही कि जूतों से एक दूसरे को पीटते पीटते कार्यकर्ताओं ने बचा लिया और बीच बचाव करा दिया। लेकिन मजे की बात ये रही कि ये सब उस वक्त हुआ जब जिले के मुखिया राजपाल चौहान कार्यालय में खुद मौजूद रहे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।